सामने बहन डाल मम्मा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऊँट जो होता है ना, ऊँट राजस्थान के जो फेमस चीज़ है ऊँट, तो ऊँट राजस्थान रेत है, उस रेत में बहुत तेज़ी से वो चलता है, ठीक ना। इसे चलो आज हम आपको दिखाते हैं ऊँट, दिखाते हैं ऊँट। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देखिए जूम करके दिखा रहे, थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन आप लोग को सामने जाके दिखाएंगे। ओके तो चलिए हम चलते हैं। आज संडे इसलिए छुट्टी है, तो सोचे कि चलो यार आज कुछ बना ही लेते हैं। और तो अचानक आए घूमने इधर, तो फिर देख ले यार कि चलो दिखा लेते हैं थोड़ा ऊँट भी, सब पसंदीदा चीज़ है इसलिए चलो दिखाई देते हैं। आप लोग को शायद थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। गजब लग रहा है, तो आप देख सकते हैं। हाँ बेहतरीन कूड़ा खा रहा है। इतना लंबा लंबा पैर, इसको देख लो, इसको लेटरिन किस तरह मेरा, देखिए दस अच्छा दिख रहा है। सामने में जाने में डर लगता है मम्मा। ओ भाई अरे यार बड़ी मूर्खा है, मारता है क्या अभी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोग को दौड़ाया यार, बहुत डर लग रहा है, हम ही लोग की तरफ देख रहा हूँ, क्या करेगा ये, तुम ये किस तरह कूड़ा खा रहे थे, घास का जो गठरी हो गया ये करके दिया है, खा रहा है एकदम मस्ती से। इसका गर्दन जो होता है ना बहुत लंबा होता है, गर्दन लंबा और पैर सब तो इतना बड़ा है कि हम लोग का उतना बड़ा पैर है इसका, बहुत बड़ा बड़ा पैर है यार। अभी तो हम लोग बच गए थे, हम ही लोग की तरफ आ रहा था और हमको भागना पड़ा। देखा कितना बेहतरीन से खा रहा है वो, ये ऊँट है कि उठनी है पता नहीं चल रहा है। देखिए लालगुड़ी, तो आपको देख सकते हैं कितना चुपचाप हम एकदम खा रहा है वो, मतलब कोई टेंशन नहीं इसका, लगता है इस दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए सर आंटी को देखिए, आंटी लोग को कुछ नहीं करती, सिर्फ हम ही लोगों का मतलब ऊँट है कि उठनी है पता नहीं चलता है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरा कहने का मतलब अगर छोटा मोटा है, ये भी जस्ट शुरू किए हैं, थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करो यार, अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, इसलिए सपोर्ट करना। और मैं वीडियो कहीं पेंड कर रहा हूँ।